जी, आज मैं आप सबको जैकेटिंग के बारे में लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये है टावर फाउंडेशन है, ये जहाँ पर जो है ना पानी नदी की, वहाँ पे वादी है, वादी का पानी आके जो जॉइंट पे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के बीच में गैप आके वो पानी जो है ना लग के जो है स्टील कोरोजन हो रहा था, तो उसको हम ठीक करने के लिए जैकेटिंग कर रहे हैं। तो ये जो है ना फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में हुआ, ये पाइल फाउंडेशन है एक्चुअली। तो जो है दो स्टेज के बीच में एक जॉइंट आता, तो वो जॉइंट में सही कंक्रीटिंग हो रही है। जब फॉर्म वर्क डिस्टर्ब हो जाता, ये दिख रहा ना जॉइंट बीच में, ये जॉइंट जो है ना वहाँ पे फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज का जॉइंट था वो, तो वहाँ पर जो है सो पानी जाके ऐसा कोरोड हो रहा था स्टील। तो इसको पूरा क्लीन करें हम एक्सपोज करके वो जॉइंट ठीक करने के लिए। ठीक है, अब इस जो जो स्टील के ऊपर कोरोजन था वो उसको पूरा ग्राइंड कर लेना था, साफ कर लेते। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूरी कंक्रीट जो कवर है, कंक्रीट का जो कवर है वो पूरा निकाल देना। तो डिज़ाइन के हिसाब से जो इसके इंजीनियर का जो रिकमेंडेशन थे उसको करने का, वो जो जॉइंट है वहाँ से 1.5 मीटर अबव एंड 1.5 मीटर बिलो द जॉइंट करने का ये डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर को कोरोजन से बचने के लिए और इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो पूरा ये वीडियो में आप देख रहे हैं ना, पूरे कॉन्क्रीट जो कवर है कॉन्क्रीट का पूरा इसको छिल दिया है, रफ कर दिया बिल्कुल। उसके बाद में ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं हर 300 स्पेस नीचे पर ड्रिलिंग करना है। ये देखिए ड्रिलिंग हो गई, मार्किंग कर दी है, 300 300 की मार्किंग है ये होल टू होल। अब बाज जगह दो होल है, तीन होल है एक ही जगह पे, वो क्यों आए वो, तो वहाँ पर स्टील टच हो गया, तो इसलिए हम उसको लोकेशन चेंज करके फिर ड्रिल कर रहे हैं। तो ये होल टू होल कितना है, स्पेसिंग 300 है। ठीक है, इसी तरह अब देखो यहाँ पे 4 5 होल्स हो गए, क्योंकि वहाँ पर स्टील नहीं जा रहा था, ड्रिलिंग बार नहीं जा, ड्रिल रॉड जो होता वो टच हो जा रहा था, तो इसलिए चेंज लोकेशन चेंज करके दूसरा होल करें उसको। तो ये कितना डेप जाना क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अपना डे ऑफ बार के ऊपर। ठीक है, ड्रिलिंग हो गया बाद में ये एयर ब्लावर यूज़ करके इससे पूरा डस्ट क्लीन करना। ठीक है, पूरे होल्स वन बाय वन उस ये पूरा सा डस्ट क्लीन कर लेना। ये जो जॉइंट दिख रहा है ना बीच में, ये जॉइंट को रिपेयर करने के लिए हम जैकेटिंग कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये पूरा स्टील दिख रहा है एक्सपोज होके, तो वो स्टील को भी हम ग्राइंड करके साफ़ कर दिए जो कोरोड हो गया था। अब ये क्या है एक्चुअली, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की कंक्रीट का जॉइंट आया वो, तो वो जॉइंट क्या है यहाँ पे पानी लग लग के वो जॉइंट और एक्सपेंड होते जा रहा था वॉइड्स, तो उसको ठीक करने के लिए जैकेटिंग कर रहे हैं। टावर, ये टावर फाउंडेशन है, ये हाई वोल्टेज के पावर केबल्स जो जाते ना, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का फाउंडेशन है ये। ठीक है, डस्ट क्लीन हो गया बाद में ये एडहेसिव केमिकल है वो इंसर्ट करना है अंदर इस तरह से। जी बिल्कुल इसी तरह से पूरे होल्स फिल कर देना। ठीक है, ये एडहेसिव केमिकल का नाम अगर कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में करिए, मैं आपको उसका डिटेल दूंगा। और कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, शायद मैं बोलने में कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होंगी, तो बेशक आप उसको कमेंट के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, इसी तरह से पूरे सारे होल्स जो है ना फिल कर देना एडहेसिव केमिकल से बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ डबल्स। तो सीधा सीधा सिंपल तो क्या है तरीका जैकेटिंग करने का, इट अप्लाइज टू एनी अदर स्ट्रक्चर एज वेल। तो बिल्डिंग को भी जैकेटिंग इसलिए करते हैं कि उसके फ्लोर एक्सटेंशन करना है, तो अब आप पूरा तोड़ नहीं सकते क्योंकि एकदम हाईवे ट्रैफिक रहती है, आजू बाजू ऑब्जेक्शंस होता, तो वहाँ पर पूरा तोड़ के नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप कैसा एक्सटेंशन करेंगे फ्लोर्स को, पूरा नीचे से जैकेटिंग होती है उसकी भी, तो उसका भी सेम प्रोसीजर रहता है, पूरा उसको चिपिंग करना, कॉन्क्रीट कवर निकाल देना, निकाल के फिर से न्यू स्टील प्रोवाइड करना रेनफोर्समेंट, फिर स्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के शेयर करूंगा इंशाल्लाह।
तो इसी तरह अब ये पूरा एंक एड्यूसिव केमिकल हो जाने के बाद में ये एल बार है, ये एल बार जो है ना अंदर डालना, ठीक है। अगर ये 16 mm, ये 12 mm है, 12 mm है तो कम से कम जो है ना 4 से 5 इंच अंदर जाना है, ठीक है। 100 mm मिनिमम, 100 mm इट शुड बी, ठीक है। ये अभी मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, ये पूरे डबल्स डाले बाद में देखो, डेप्थ वगैरह पूरा चेक कर लिया मैं, पूरे बार से इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। इस तरह से इंस्पेक्शन करना है आपको, ठीक है। ये पूरा जितना ये जॉइंट हमारा बीच में है सेंटर में, फिर उसके बाद में रिंग्स पिना दिए हम, वर्टिकल बार्स लगा दिए, वो जो हम पहले डबल डाले थे ना एल टाइप का, उसी को ये होल्ड कर रहा वर्टिकल बार्स, फिर इसके बाद में रिंग डाल देना तरफ से जो साइज़ है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखे, इसकी जो थिकनेस है ना कम से कम 100 mm रहना, अदरवाइज एज स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो रिकमेंड करे वो उसके हिसाब से, लेकिन एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इट शुड बी मिनिमम 100 mm, ठीक है। ये मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, वो देखो हाथ लो, ये स्पेसिंग वगैरह चेक कर लेना, 100 100 रहना या 150 है जो भी है। अब यहाँ पे हम 100 दिए थे, फिर ये रिंग्स है, लेंथ वगैरह, ये कवरिंग ब्लॉक देख रहे हैं आप, कवरिंग ब्लॉक प्रोवाइड कर देना है, क्लीन कर देना नीचे पूरा, ये PCC वगैरह है देखो। अब बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, पूरा बेड डाल के अब यहाँ पे कोई जॉइंट बनने का चांस नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में फॉर्म वर्क लगाने से पहले पूरा डस्ट क्लीन करना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फॉर्म वर्क हो गया, अब ये कॉन्क्रीट बॉन्डिंग एजेंट है, ये इसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि गुड बॉन्डिंग ये ओल्ड और न्यू कॉन्क्रीट को बॉन्ड करने में मदद करता है। ये है, ये बहुत सारे मटेरियल है, नीटो बॉन्ड AR है, फोर्स रॉक है, CMCI है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कोई भी कॉन्क्रीट बॉन्डिंग एजेंट लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ कर रहे हैं नीटो बॉन्ड AR है फोर्स रॉक का जी। ये पूरा डाल देना कॉन्क्रीट डालने से पहले, ठीक है, तो पूरा कॉन्क्रीट डालने से पहले इसको डाल देंगे इस तरह से, पूरा सब जगह आप डाल देना, वो पूरा सरफेस को जो है ना डैम्प कर देना इसे, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा अतराफ से पूरा इस तरह से डाल देंगे जी। फिर नेक्स्ट स्लम टेस्ट कर लेना। और ये कॉन्क्रीट में एक चीज़ का नोट करिए, जो हमारा जो टावर की जो एक्चुअल जो कॉन्क्रीट हुई वो फॉर एग्जांपल 35 है, तो ये 38 MPa यूज़ करना, 2 या 3 MPa बढ़ के यूज़ करना, ठीक है। ये स्क्रीड कॉन्क्रीट है, ठीक है। इसी तरह से पोर करना, और इसकी हाइट का ख्याल रखो, ज़्यादा 1.5 मीटर से ज़्यादा ड्रॉपिंग हाइट नहीं रहना ये, ठीक है। इसलिए हम ये चूट एक्सटेंशन करिए, दिख रहा, और एक चूट लगा के इसको कर रहे हैं ताकि उसकी डेप्थ ड्रॉपिंग हाइट जो है कम हो बोल के, नहीं तो क्या होता, सेग्रीगेशन हो जाता, सीमेंट जो है ना अलग हो जाती, सैंड अलग, कंकर अलग, इस तरह से उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती पूरी, तो इसलिए ड्रॉपिंग हाइट कम रखना, 1 मीटर के नीचे रखें बहुत अच्छा है। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा डीप है तो चूट आप लगा सकते हैं, आप पाइप लगा सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्क्रीट करना है, ठीक है, वो उसको 3 स्टेज में डालना, फिर उसके बाद में वाइब्रेटिंग करना, ठीक से अच्छे से वाइब्रेशन करना है। वाइब्रेशन करने से क्या होता, हनीकॉम्ब नहीं आया तो बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो जाता, अच्छी स्ट्रेंथ आती उसकी, ठीक है। इसका स्लम टेस्ट होया और सैंपल भी ले लेना, ठीक है, वो मैं बताया नहीं क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जा रही थी वीडियो, तो इसके सिलेंडर्स भी ले लेके उसको टेस्ट करना बाद में, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 7 डेज 28 डेज, ठीक है। इसी तरह से पूरा कंप्लीट वाइब्रेशन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में अब ये ऊपर का पोर्शन जो है अबव ग्राउंड है ये जो दिख रहा है, तो इसके ऊपर में जो है ना कोटिंग होती है, इसके ऊपर में भी होती है और इसके भी होता है जो फॉर्म वर्क निकाले बाद। अब ये हो गया कॉन्क्रीट, उसके डीशटरिंग करके क्यूरिंग कंपाउंड करेंगे। क्यूरिंग कंपाउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम सेव करना है हमें, तो अप्लाई क्यूरिंग कंपाउंड, फिर उसके बाद में इपॉक्सी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स है, 2 कोट अप्लाई करो, विटामिन कोट और इपॉक्सी है ये, इसको 2 कोट्स हो गए बाद में, फिर बैकफिलिंग करना लेयर वाइज, 200 mm से ज़्यादा नहीं रहना थिकनेस बैकफिलिंग की, ठीक है। उसके बाद में कंप्लीट हो गया बैकफिलिंग, उसके बाद जो अपर पार्ट है उसको हम वाइट और ग्रे इपॉक्सी कोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी सरफेस प्रिपरेशन करके, पूरा कंप्लीट सरफेस प्रिपरेशन करके फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट पेंट यूज़ करें एज ए प्रोटेक्टिव कोट, नॉर्मली ग्रे कलर भी होता है लेकिन एग्जिस्टिंग पूरे सारे टावर्स पे वाइट कलर था, तो यहाँ पर भी वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं,
ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8328406604। मैं हैदराबाद में हूँ। यहाँ के भी कुछ जैकेटिंग का काम हो या रिनोवेशन का वर्क हो या कुछ भी टाइल्स रिप्लेसमेंट का, वो सारा कुछ करता हूँ मैं यहाँ पे। तो वो नंबर दे दिया हूँ मैं हैदराबाद में कहीं पर भी, और हैदराबाद यानी इन एंड अराउंड हैदराबाद कहीं पर भी कोई भी काम आया तो मैं करता हूँ। तो कुछ किसी को जैकेटिंग ये हो गया, देखिए कोटिंग अप्लाई हो गया, कोई रिनोवेशन का कुछ काम रहा तो आप मेरे को बोल सकते हैं। कुछ गाइडेंस भी रहना है तो हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। खाली आके इंस्पेक्शंस करके आपको आप मटेरियल आपका मैन पावर रहेगा, गाइडेंस हमारा रहेगा, वैसा भी हम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग वीडियो देखें। इस तरह से ये दूसरा कोट चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट कोट हो गया, अभी ये सेकेंड कोट हो रहा है। तो फॉर जैकेटिंग वर्क्स कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर 9183284006604। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट टू कोट हो गया, ये अभी प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, इस तरह अप्लाई करना है इसको। इसके बाद में भी इस पेंटिंग होने के बाद भी इसको टेस्टिंग किया जाता है, वो होता है DFT टेस्ट, ड्राई फिल्म थिकनेस। तो ये कोटिंग की जो कितना एज़ पर डाटा शीट जितना रिकमेंडेशन है वो थिकनेस अचीव किया नहीं किया बोल के वो टेस्ट कर उसको DFT करने से पता चलता है। तो वो टेस्ट भी कंडक्ट होता है। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।